हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले इंडिया मैट कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको एंट्री विल बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेबल लेना है, लाइक की सारी चीज़ों के हम बात करेंगे अच्छी वीडियो में। सो गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया मैट कंपनी की बात करें, स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो हुआ 2771.95 का, एंड यहाँ पे स्टॉक ने कितना 4.33% का मोमेंटम था। स्टॉक की बात करें 122 रुपए का मोमेंटम था पर शेयर के पीछे। तो जिसने भी लाइक ऑप्शंस में जिसने भी आज ट्रेड किया रहेगा तो डेफिनेटली उसको रिटर्न्स मिला रहेगा, बिकॉज ये इंडिया मैट का लॉट साइज भी देखे तो 300 का इसका लॉट साइज है। मल्टीप्लाई 1 रुपीज भी करें 300 का प्रॉफिट हो, 122 कर ले तो लगभग जो आपका प्रॉफिट जो 8 से 9 हज़ार तक आपका प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो जिसने भी आज दिन इसमें ट्रेड किया है डेफिनेटली उसको क्या रिटर्न्स मिले रहेंगे। एंड ईयर बाय अगर आप प्रीमियम प्राइस बाइंग करो तभी इसमें मोमेंटम उतना रहता है, बाकी अगर आप ज़्यादा दूर का लोगे तो उसमें लाइक उतने बाइंग सेलिंग उसमें होते नहीं है। तो ध्यान में रख के ही आपको एंट्री करनी है। उसके लिए आपको मैं यहाँ पे लेवल्स आपको दिखाऊंगी मैम। फिलहाल यहाँ पे बात करें, स्टॉक एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से लाइक अपसेट जाने के चांसेस है, एंड स्टॉक जब भी लाइक सपोर्ट लेता है तो अच्छा खासा रिटर्न देता है। यस, मैंने मार्क ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये जो लेवल है स्टॉक ने लास्ट टाइम भी यहाँ पे से आके सपोर्ट लिया था, यहाँ से अपसेट बहुत ही लगभग जो है 3500 तक इसका हाई गया था। सो स्टॉक वापस उसी लेवल पे आए। तो चलिए आपको मैं इसके लेवल्स आपको दिखा देती हूँ वेनसडे के लिए। येस, आई थिंक सो आपको पूरा चार्ट पर विजुअल होगा। सो यहाँ पे अगर फिबोना के रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे देखें 0.68% का मेन हमारा लेवल आता है, जहाँ पे स्टॉक लाइक अपसाइड आया है भी है एंड यहाँ से लाइक अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया है। तो स्टॉक उसी लेवल पे आया हुआ है, तो आपको जो बाइंग एंट्री करनी वो करनी 2789.40 का। टारगेट जो आपको रखना है वो रखना है 2877 का, एंड सपोर्ट आपको जो मेन भले ही सपोर्ट इसका दूर है बट सपोर्ट आपको यही पढ़ के चलना है 2599 का, बिकॉज अगर ये लेवल तोड़ा तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 2400 तक इसकी जाने के चांसेस हैं। तो ध्यान में रख के ही आप वेनसडे के दिन इसमें बाइंग एंट्री कीजिएगा। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।